नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सियासी शनिवार रहा। पूर्वांचल की राजनीतिक जमीन को साधने के लिए दो बड़े नेता राजनीतिक मैदान में उतरे। सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर से राजनीतिक माहौल को गर्माते दिखे, तो वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की उर्वर भूमि आजमगढ़ से पूर्वांचल की राजनीति को साधने की कोशिश करते दिखाई देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। अभी तक चुनावी माहौल को गर्माने में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई थी। अखिलेश यादव भी अब मैदान में उतर गए हैं। आजमगढ़ में वो लालगंज में त्रिवेणी ट्रामा सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन करते नजर आए। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अभिषेक राय द्वारा किया गया था। इस अवसर पर सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, सांसद धर्मेंद्र यादव, विधायक बेचई सरोज, विधायक दुर्गा यादव, पूर्व मंत्री बलराम यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कई अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी सरकार बनी थी, उसको फंड्स दिए गए थे, बजट दिया गया था और कोशिश की गई थी कि पूर्वांचल का और आसपास का अच्छा मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाए। इसके साथ साथ जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी समाजवादी सरकार का दिया हुआ था। मुझे याद है गाजीपुर में जब मैं गया था 100 सीट अस्पताल के उद्घाटन में, उस समय हम लोगों ने कहा था कि इसी अस्पताल को आगे बढ़ाएंगे और मेडिकल कॉलेज बनेगा। और पूरे जिले में और आसपास के जिलों में कई अस्पताल दिए, चंदौली में दिया तो कई जगह मेडिकल कॉलेज दिए थे। सरकार कहने को तो ये कहती है कि मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं, वो आजकल आधुनिक खंडर दिखाई दे रहे हैं। उनके अंदर न डॉक्टर्स हैं, न प्रोफेसर्स हैं, न टेक्निकल स्टाफ है, न नर्सेस हैं, न दवाई है, न मशीन है, और अगर मशीन भी है तो चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो इसलिए ये जो मेडिकल कॉलेज बना है जो इतने बड़े पैमाने पर, उसमें गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आपके विधानसभा में वहाँ भी बड़ा बना था, बहुत बड़ा, वो तो चल रहा है और कोविड में काम आया था, याद है कि नहीं? याद है, 200 बेड था। और आपका मेडिकल कॉलेज भी, ये मेडिकल कॉलेज अच्छा चल जाए, मेडिकल हॉस्पिटल अच्छा चल जाए तो गरीब जनता को बाहर नहीं भागना पड़ेगा, ना बनारस जाना पड़ेगा, ना दिल्ली लखनऊ जाना पड़ेगा, इलाज यही मिल जाएगा। यही प्रयास समाजवादियों का रहेगा। और ये तो मेडिकल कॉलेज है, जो अस्पताल बनाए थे बीएससी सीएससी, जो पैरासिटामोल की बात कर रहे हो आप, कई जगह बीमार आता और बताता है बीमारी ये और दवाई डॉक्टर दे दे दूसरी, सही बात। तो सोचिए आप, और सरकार दवाई भी नहीं दे पा रही है। इसीलिए हम अक्षय राय का धन्यवाद देंगे कि इन्होंने दादाजी के नाम पर और अपने संसाधन से ये बड़ा प्रयास किया है। यहाँ पर लोगों को इलाज समय पर मिल जाएगा तो उनकी जान बचे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। देखा जाए तो अखिलेश यादव भले ही निजी कार्यक्रम में गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी जरूर गिनाई। पूर्वांचल की राजनीति अलग अलग तरह की है। यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ यहां पांव जमा पाने में कामयाब नहीं हो पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए यहां से हमेशा बड़ा मौका जरूर दिखता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।